बाबा तुलसीदास जी ने बताया है और रामचरितमानस में ये लब्धा भक्ति का विस्तार से व्याख्यान है। और भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्ति महात्म निवेदनम, प्रभु के भजनों को सुनना चाहिए, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याददाश्त बनानी है तो प्रभु के चरणों में बना के रखना चाहिए। पाद सेवनम, यहाँ लक्ष्मी जी को बोला है, ये लक्ष्मी जी साक्षात इन नवदा भक्ति में आती है। अर्चनम, अर्चन करना चाहिए प्रभु का, वंदन वंदन करें। शक्य, शक्य यहाँ अर्जुन को बताया गया है, शक्य भाव भाव रखना चाहिए अर्जुन की तरह, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से ये नौ प्रकार की भक्ति है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस बच्चे को ऐसा उपदेश देते हुए उस हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्रोध करने लगा, कहने लगा कैसे क्या आया है, उस नारायण का नाम लेता है, कहता है उसका ध्यान करो, संडामर को बुलाया, तुमसे क्या कहा था कि दैत्यों वाली शिक्षा देना और तुम इसको देवताओं वाली सिखा रहे हो, जाओ दोबारा ले जाओ, आपकी बार कोई शिकायत ना आए। दोबारा आए, फिर अपने सभी सहपाठियों को बुलाया और कह रहे आ जाओ भाई, सब जो है अध्ययन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आ जाओ। कह रहे लिखो पाती पे राम, पढ़ो पोती पे राम, नहीं कोई काम बोलो दे ऐसा सुना तो गुरुजी आ गए, कहने लगे तुम क्या कर रहा है भाई, इनको क्या सिखा रहा है, तेरे पिताजी ने अगर देख लिया तो हम मेरी भी क्लास लग जाएगी, मुझे भी कैद में डाल देंगे। गुरुजी चले गए, सबको फिर बुलाया, फिर संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नहीं है, और तो और सोते नारायण जगते नारायण, सोते नारायण जगते नारायण, सोते नारायण, ये कैसे संभव है, ये भी संभव है, माने कैसे, पहले कोई अलार्म नहीं होती थी, सुबह जगना है इस बात को लेकर के माइंड में एक अलार्म बढ़ते थे ना कि सुबह 4 बजे उठ जाना है। और आज भी अगर आप एक चाबी भर के सोओगे कि सुबह हमें 6 बजे उठना है और 9 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो ऑटोमेटिकली ही वो अलार्म बज जाएगी और 6 बजे करेक्ट 6 बजे आपकी अलार्म वो नींद खुला जाएगी, नींद खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही अगर हम इसका नाम लेकर के सोएंगे, नारायण नारायण, या कोई हमारा गुरु मंत्र है उसका नाम लेकर के सोएंगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, नारायण नारायण नारायण। ये कब आएगी, जब हम उस नारायण नाम को लेंगे। कुछ माताएं तो ऐसी होंगी यहाँ जो राधे राधे हो रही है, नारायण हो रही है, घर पे ही पोंछा लगाती होंगी तो भजनों गुनगुना, श्री मन नारायण भव तारायण, श्री मन नारायण भव तारायण, ओ लक्ष्मी हाथ लगाया, उन विद्यार्थियों को गुरुजी में भी ऐसा करंट आया, वो भी गा रहे हैं, श्रीमन नारायण भव तारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण।
जाओ कि वहां तल क्या रहा है। अब दैत्य वाली शिक्षा ग्रहण कर रहा है या अभी भी वही वो नारायण का नाम ले रहा है? जैसे वो सैनिक आया उसने देखा संकीर्तन चल रहा है, रोकना चाहा, जैसे हाथ लगाया उसको भी करंट लग गया और वो भी कर रहा है श्रीमन्नारायण भव तारायण श्रीमन्नारायण भव तारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लयत है जो नारायण नाम लयत कि जो नारायण नाम लयत है छूटे फंद भव तारायण, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो 84 लाख योनियों का भव बंधन है, नारायण नाम लेने से वो छूट जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। बच्चा घर में होता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से कैसे भी पार करो, इतना वजन करूंगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशेनम। तो क्या होता है नारायण नाम लेने से? अरे झूठा है फंद भव तारायण झूठा है फंद भव तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आया। उसने जैसे ही देखा हुआ संकीर्तन चल रहा है और उसने जोर से वज्र मारा, संकीर्तन रुक गया। एक बात बताऊं, अगर यहाँ हिरण्यकश्यप भी आकर के एक भी विद्यार्थी को हाथ लगा देता तो उसमें भी करंट आ जाता। वो जानता है इस नाम की महिमा कि अगर मैंने इनको स्पर्श कर लिया तो मैं भी इसमें रम जाऊंगा, इसलिए उसने अपने वज्र का जोर से प्रहार किया और कीर्तन को रोक दिया। प्रहलाद को पकड़कर अपने महलों में लाया और सैनिकों से कहा जाओ इसको कठिन दंड दिया जाए। सैनिक उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए, नीचे समुद्र में फेंक दिया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और छोटे से बच्चे प्रहलाद को बचा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। फिर बच करके महलों में आ गया। अरे तेरे को तो वहां से फेंक दिया था, हाथियों से कुचलवाया, प्रभु ने हाथियों से भी बचा लिया। क्योंकि जो कोई प्रभु के बलबूते पर किसी से पंगा लेता है, दुश्मनी लेता है, तो प्रभु उसका भरपूर साथ देता है, ये कन्फर्म है। ऐसा प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितने भी आपके आलोचक आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर दृढ़ विश्वास आपका पक्का है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। उस प्रभु के प्रति आप एक दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़िए, जीवन में कोई कार्य नहीं रोकेगा, ये कन्फर्म है। तो उस बच्चे से जब ऐसी वार्तालाप कर रहे थे, भाई तू है कौन, कैसे मरेगा, क्या है, तो इतने में ही हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका देवी, वो कह लेंगे भैया तुम चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी से एक चुंडी प्राप्त हुई है, उस चुंडी की विशेषता है, उसको पहन करके मैं बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा। तो बहुत बड़ी अग्नि जला दी महाराज और होलिका उसमें बैठ गई और जो ऊपरों से जो बनाई थी, हम होली पे बनाते हैं, मनती है ना होली, होली मनाते हैं सब। हाँ क्यों नहीं मनाएंगे भाई, होली दिवाली हमारे प्रमुख त्योहार हैं। तो होलिका देवी कहने लगी अरे बचाओ ये क्या हो रहा है, ये ब्रह्मा जी का वरदान कैसे झूठा हो गया, अरे मुझे बचाओ ये क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी ने छल किया है। इतनी भी आकाशवाणी हुई, देवी कोई छल नहीं है, ये चुंडी तुम्हें मिली थी तुम्हारी रक्षा के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं मिली, तुम इस बच्चे को जला देना चाह रही हो। तो देखते देखते होलिका देवी जल करके राख हो गई, वो छोटा सा बच्चा प्रहलाद सुरक्षित रह गया। और एक बात बताऊं, आज भी आपको प्रहलाद देखना है जलती हुई अग्नि में निकलते हुए, तो प्रहलाद का जो गांव है फालेन कोसी के पास में, आज भी वो पंडा निकाला जाता है। हमारे प्रभाकर जी महाराज बैठे हुए हैं, इनके गांव में आज भी वो पंडा निकलता है, इनसे पूछ लेना और इनसे नाम भी लिखवा लेना, भैया हम भी देखना चाहेंगे, आप सबकी व्यवस्था करेंगे।
तो कहने का भाव क्या है, आज भी YouTube पे देख लेना, अगर नहीं जाना चाहते आप कोई बात नहीं, घबराओ मत, मानो नहीं हो जाएगा। तो YouTube पे आज भी देखोगे ना, बहुत जितने बीच में होकर के आप बैठे हुए हैं ना, इतने बीच में होकर के अग्नि जलाई जाती है और उसमें से वो तन पर कुछ वस्त्र नहीं होते, अंगोछा होता है, उसको लपेट करके वो उस भरी अग्नि में से निकलते हैं और प्रहलाद कुंड है उसमें स्नान करते हैं। ऐसे चमत्कार हमारी इस पवित्र भूमि भारतवर्ष में ही संभव है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं कि मनुष्य जो होता है ना, भगवान को सिर्फ दुख में पुकारता है। जब उसके पास धन होता है ना, तो किसी को विदानता भी नहीं है। एक सज्जन थे, ध्यान देना, एक सज्जन थे, वो गांव में बेचारे सबसे गरीब थे। अब किसी से राम राम करें तो कोई राम ना राम राम लेने को तैयार ना हो उनकी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, दस दिन हो गए, महीने साल भर गुजर गए, ठाकुर जी सब की सुनता है। तो एक दिन उस पर विशेष कृपा कर दी, उसके जो दो बच्चे थे उनकी अच्छी नौकरी लग गई, अच्छे ऑफिसर बन गए, और जो उसके खेत थे गांव में सड़क के किनारे, वो अच्छे दामों में बिक गए। अब तो गांव में साहब उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। अब जो जब गांव में होकर के वो गुजरता था तो लोग कहते थे कि भाई हरप्रसाद राम राम, कन कह दूंगो फलाने राम राम कह दूंगा। एक दिन उसकी पत्नी साथ में जा रही थी, कहने लगी यो बताओ, जब हमारे पास कुछ धन नहीं था, हम लोगों से राम राम करते थे, हमारी राम राम नहीं लेते थे, तो आप इनके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे देवी ऐसा नहीं है, मैं इनसे जो कह रहा हूं ना कह दूंगा, उसका एक कारण है। तुमने देखा होगा जब मैं रात को आता हूँ, अलमारी को खोलता हूँ, तिजोरी में जो लक्ष्मी जी रहती है उससे कहता हूँ, आज हरगोविंद ने राम राम कही है, आज रोहतास ने राम राम कही है, आज फलाने ने राम राम कही है, आज ढेंकी ने राम राम कही है। देवी मुझे राम राम नहीं कहते, वो लक्ष्मी को राम राम कर रहे हैं। तो जिसके पास धन होता है, वैभव होता है, लोग उसकी पूछ ज्यादा करते हैं। तो जब दुख होता है तो प्रभु का भजन करते हैं। एक हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गज कहते हैं हाथी को और गजेंद्र कहते हैं हाथियों के समूह के जो राजा हैं, उसका नाम है गजेंद्र। उसके मन में अहंकार आ गया, देखो तो सही में कितना बड़ा विस्तार है मेरा, और दौड़ देखो ये शारिया भेड़िया बकरिया सब जो है मेरे स्वागत सम्मान में खड़े हैं, अपनी 40 पत्नियों के साथ और सैकड़ों पुत्रों के साथ जब जंगल में होकर के जा रहा था, मन में अहंकार आ गया। सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा था और कहने लगा कि भाई सब मेरा आदर सम्मान कर रहे हैं, मन के अंदर अहंकार आया, ध्यान देना। और जैसे ही समुद्र में स्नान करने के लिए वो घुसा, एक ग्रह आया और ग्रह ने उसके पैर को पकड़ा, तो हाथी कहता है देख इसको पता नहीं है मैं गजेंद्र हूं, मेरे अकेले में 100 हाथियों का बल है, और जबकि जो जल का जीव होता है उसके अंदर बल अधिक होता है। तो गजेंद्र कहता है अभी नहीं, इसको देख लूंगा, इसको देख लूंगा अभी, चल। और जैसे ही वो देखा कि मेरे पैर को कोई खींच रहा है और रक्त भी निकल रहा है, तो अपनी पत्नियों को आवाज आ गई, अरे सुनती हो, देखो मेरे कोई शरीर को खींच रहा है। तो पत्नी आ गई, पुत्र भी आ गए, सब लग गए। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, पांच दिन हो गए, दस दिन हो गए, पुत्र छोड़ के चले गए। कुछ दिन तक पत्नियां लगी रही, कहने लगी आप तो नौटंकी कह रहे हो, अभी जो पुत्र कह के गए सही कह रहे हैं, आप तो ड्रामा कर रहे हो, किसी ने नहीं पकड़ा हुआ तुम्हें। पत्नी अभी छोड़ करके चली गई। गजेंद्र कहता है कि मैं कहता था कि मेरे असंख्य पुत्र हैं, मेरा साथ देंगे, आज जब मेरे ऊपर संकट आया है तो मेरे पुत्र भी छोड़ करके चले गए, मेरी पत्नियां भी छोड़ के चली गई।
अब गजेंद्र टेर लगा रहा है और ये सच्चाई भी है। से उस गजेंद्र को भी आज समझ में आ रहा है, जिसे मैं अपना पुत्र कहता था, पत्नी कहता था, आज सब छोड़ के चले गए। कहते हैं जब कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता, तो वो ईश्वर साथ देता है। गजेंद्र के मन में आया कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, वो मेरा साथ दे, मुझे बचाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया नाम हमारा ना लियो, हम चले जाते। शंकर जी कहते हैं ज्यादा ना है, शिव शंकर ना कही जाए तो बम भोले ही बोल दे। तो दुर्गा माता कहती हैं ज्योता वाली शेरा वाली माता तेरी सदाएं जाए, इतने इतना बड़ा जयकारा ना लगा करके कह देता शेरा वाली, हम भी चले जाते ना। संतोषी माता कहती नाम तो हमारा भी नहीं लिया,
भैरव जी कहते हैं हमारा नाम ना लियो, शनिदेव कहते हैं हमारा नाम ना लियो, तो कन्हैया कहते हैं भैया जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, मैं जाऊंगा। भगवान नारायण कहते हैं जिसका कोई नहीं होता मैं उसका मैं होता हूं। गजेंद्र स्तुति है भगवत जी में, पूरी स्तुति है, नाम किसी का नहीं लिया और स्तुति कर रहा है। और जैसे ही प्रभु चलने लगे गरुण को बुलाया कि चलो एक एक महत्वपूर्ण काम करना है, तो गरुण ने देखा देखो त्रिलोकी के नाथ हैं उनको मैं उड़ा के ले जा रहा हूं, ये मन के अंदर अहंकार आ गया। तो कन्हैया कहते हैं गजेंद्र को तो बाद में उबारेंगे, पहले इसका जरा अहंकार को ठीक कर ले, इसको देख ले पहले। कन्हैया ने उंगली रख दी, कहने लगे उड़, प्रभु क्या कहते हो बैठो ना, नहीं नहीं उड़, अरे आप बैठो क्यों मजाक कर रहे हो प्रभु, देर हो रही है, नहीं नहीं अभी कह रहा था, अभी क्या सोच रहा था, क्योंकि वो तो नारायण है, गटगट के पास ही है, मन में क्या चल रहा है वो भी समझ जाते हैं। सोचता है कि त्रिलोकी की नाथ को मैं उड़ा के ले जाता हूँ, ये उंगली रखी उड़ा इसको। और जैसे ही उड़ने की कोशिश करी फर फर करके पैरों को मार के रख गया, ऐसे मार के रह गया नहीं उड़ पाया। कन्हैया कहते हैं भले आदमी सुन, जो तू चल रहा है ना, जो कुछ खा रहा है पी रहा है सांस ले रहा है ये मेरी कृपा है, और तू कहता है त्रिलोकी नाथ को ले जा रहा हूं, तो इस प्रकार से उसके अहंकार को दूर किया प्रभु। अब जब गजेंद्र के पास आए तो ग्रह ने पैर को पकड़ा हुआ है कि ये भगवान की स्तुति कर रहा है और साथ में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह को उबारा, उसको अपने प्रभु पद को में स्थान दिया और उस गजेंद्र को उबारा प्रभु ने। जिसका कोई नहीं होता उसका कन्हैया होता है, उसका गोविंद होता है, बशर्ते उसको मिलते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कथा से क्या सिखाती है कथा, कि इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एजुकेटेड हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो वेद पढ़ा लिखा हो, वो शास्त्र पढ़ा लिखा हो, या उसने डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स कर रखा हो, उसे ही भगवान मिलते हो, नहीं, भगवान अनपढ़ को भी मिलते हैं। गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, भगवान मिल गए। भगवान ना तो जाति पाति देखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी नहीं देखते, वो तो बस मन के भाव देखते हैं, कौन किस भाव से बज रहा है। भगवान को पाना है तो एक मन के अंदर तड़प लानी पड़ेगी। एक शिष्य थे तो कहता है गुरुजी मन के अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, गोविंद आते ही नहीं है। तो गुरुजी हैं अज्ञानता मिटाना उनका कर्तव्य है, शिष्य को लेके गए नदी में, चल नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। नदी के तट पे पहुंचे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, शिष्य की गर्दन को उस नदी में ऐसे बोड़ दिया, बहुत देर हो गई, बुलबुल उठने लगे, तड़पने लगा, ऐसे तड़पने लगा, और जब देखा गुरुजी ने इसके प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे तो छोड़ दिया। बाहर आया कहने लगा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, अभी चला गया। गुरुजी कहते हैं जब ठाकुर को पाना है तो ये तड़प लानी पड़ेगी, जब तक ये तड़प नहीं आएगी गोविंद नहीं मिलेगी। ये तड़प लानी पड़ेगी, जब अंदर तक अंदर से वो लालसा नहीं आएगी कि कथा हो भागवत हो या मन कथा में लगे, घर पर भी हम कथा करें, तब तक ये कन्हैया नहीं मिलेगा। अच्छे कार्यों के लिए एक तड़प जरूरी है।